नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो पे। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही विशेष रहा इंडिया के लिए, समर ओलंपिक्स टोक्यो में, जहां हमारे सूबेदार नीरज चोपड़ा ने जुबलिन थ्रो में हिस्टोरिकल गोल्ड मेडल जीता। वहीं बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। तो इस तरह से भारत ने अपनी अभी तक की मैक्सिमम टैली ओलंपिक में 7 मेडल की टैली को अचीव कर लिया है, जो कि बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक। और इंडिया बहुत भारत कई सालों से सपना लिए हुआ था कि किसी इस एथलेटिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिले, क्योंकि बहुत सारे मिसेस हुए, पार्टिकुलरली फ्रॉम मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अंजू बाबी जॉर्ज, वो थोड़ा थोड़ा स्लिप कर गई इस पायदान पे पहुंचने के लिए। बट आज एक हिस्ट्री क्रिएट हुई, हमारे जुबेनाइल थ्रो कैटेगरी में अपने सूबेदार नीरज चोपड़ा ने सोने के तमगे को जीता। और इंडिया रियली रियली प्राउड ऑन हिम कि उसने इंडिया की टैली को फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल दिलवाया समर ओलंपिक टोक्यो में। इससे पहले गोल्ड मेडल दिलाने वाले हैं शूटिंग में अभिनव बिंद्रा। तो ये केवल दो ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत के लिए गोल्ड लेके आए। तो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी एंड अपने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने पर्सनली फोन करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी। और वहीं हमारे रेसलर हरियाणा से, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बजरंग पूनिया, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, इससे पहले भी कई कारनामे वो कर चुके हैं, कई बार गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीते हैं एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में। आज उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 65 किलोग्राम के कैटेगरी में। इस तरह अगर टोटल टैली हम देखें तो इंडिया के हाथ में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 7 मेडल्स की टैली हम अचीव कर चुके हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, जब हमारी नेशनल हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कि हम शायद इस ओलंपिक में डबल डिजिट की टैली अचीव कर लेंगे। आई होप सो, रिमेनिंग एथलीट्स डेफिनेटली विल कंट्रीब्यूट टू अचीव आवर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक। तो चोपड़ा की अगर देखें तो चोपड़ा का खेल बड़ा ही रोमांचक है। उनने एक ही बॉट में डायरेक्टली फाइनल में प्रवेश किया था। तो जब क्वालिफाइंग मैच में उनने जो पहला वाला फेंका था, जिसकी रेंज थी 86.65 मीटर, जो कि अपने आप में उस राउंड का रिकॉर्ड था, कोई भी खिलाड़ी उसको अचीव नहीं कर पाए, उनको डायरेक्ट एंट्री मिली फाइनल में। और तभी से वो पूरा उनको विश्वास था कि आई कैन गिव बेस्ट टू दी करंट थ्रो। तो उनने फाइनल में टोटल 3 अटेम्प्ट लिए। पहले अटेम्प्ट में 87.03 मीटर उन्होंने फेंका, दूसरे अटेम्प्ट में 87.58 मीटर एंड थर्ड अटेम्प्ट 79.5 मीटर। हालांकि उनका पहला ही जो अटेम्प्ट था 87 मीटर, वो ही उनको गोल्ड मेडल दिलाने में सक्षम था, क्योंकि जो रिमेनिंग प्लेयर थे चेक रिपब्लिक के, वो उस मार्क को छू नहीं पाए। तो इस तरह नीरज चोपड़ा ने हमको गोल्ड मेडल दिलाया। भारत का बहुत लंबे टाइम से जो सपना था वो पूरा हुआ, हमें इस पे गर्व है। तो अगर हम देखें अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो ओलंपिक में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक में जो जुबेनाइल थ्रो का रिकॉर्ड है जो वो है टोटल 90.57 मीटर का, जो कि नॉर्वे के प्लेयर एंड्रेस थॉर किर्सन ने बनाया था इन द बीजिंग ओलंपिक 2018। और इसी जुबेनाइल थ्रो में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 98.48 मीटर का, जो कि चेक रिपब्लिक के जैन जेलेंजी ने बनाया 1996। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप स्टिल इन जुबेनाइल थ्रो। तो हमारे नीरज चोपड़ा हो सकता है कि इन 2024 ओलंपिक्स
अपनी इस रेंज को बढ़ा सकते हैं और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो का 98.48 मीटर। तो यंगस्टर को स्पेशली मैं मोटिवेट करना चाहता हूं, दे कैन कम फॉरवर्ड एंड टेक द पार्ट ऑफ एथलेटिक्स एंड मेक इंडिया प्राउड। तो ये बहुत सुखद खबर है अपनी पार्टिकुलरली एथलेटिक्स में, जिसे कि बेसिकली हम इंडिया में निगलेक्ट करते हैं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते क्रिकेट के कंपैरिजन में, बट हमको ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है। इस बार हमारे एथलेटिक्स प्लेयर्स ने पार्टिकुलरली प्रूव कर दिया कि वी कैन ऑल्सो बी इन सम डबल डिजिट टैली, सो डेफिनेटली वी कैन अचीव डबल डिजिट टैली इन कमिंग डेज। तो उनके पिताजी से जब इंटरव्यू लिया हरियाणा में न्यूज 18 ने, तो उनके पिताजी बड़े खुश थे क्योंकि लास्ट ओलंपिक रियो ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेशन किया था, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज ही वाज नॉट एबल टू प्रोसीड, बट इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उनने भारत को गोल्ड दिलाया। तो इसमें सबसे रोचक खबर ये आ रही है कि अगर इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें तो ये हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से, इनका विलेज है खंडेरा, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से हुई और 2016 में ये अपॉइंटेड हुए एज ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर इन द रैंक ऑफ नायब सूबेदार इन इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। उनके इस जीत पे हरियाणा गवर्नमेंट ने, खट्टर साहब ने अनाउंस किया है 6 करोड़ रुपीज एंड ए गवर्नमेंट जॉब टू हिम। ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब में है पर इसके बावजूद भी उनको 6 करोड़ का प्राइस मनी एंड नॉट प्राइस मनी खट्टर गवर्नमेंट देना चाहती है एंड ए गवर्नमेंट जॉब। तो ये अनाउंस हो चुका है और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी बधाई दी है और उनको गोल्डन बॉय का खिताब दिया है। तो ये तो रही बात, और बजरंग पूनिया भी जो अपने रेसलर हैं वो भी हरियाणा से, जज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो हरियाणा जैसे कि अभी जो ओवरऑल मेडल टैली में देखा जाए तो हरियाणा इज लीडिंग। तो हरियाणा इज बेसिकली फील्ड ऑफ प्लेयर्स, सो मेनी प्लेयर्स आर देयर, सो वी आर प्राउड ऑफ देम, राइट। उनने इंडिया को तमगा दिलाया, तो टोटल टैली हमारी पहुंच गई है 7, 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड रिमेनिंग आर ब्रॉन्ज, राइट। सो ये खुशी का दिन है सबके लिए और हमारे एथलेटिक्स को प्रूव कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।